हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी जेओए आईटी का, जो आप एग्जाम भर रहे हो या फिर भरने वाले हो, तो उसके कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम पैटर्न। इससे पहले जिनको भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिनको भी जो आपका डिप्लोमा मांगा जा रहा था, तो उसकी जगह पर जो है वो आप 12th की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। ये ऑफिशियली मैंने जो है वो कंफर्म किया है। उसके बाद जो भी आपकी हायर एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। और बहुत से लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो आपका फॉर्म है वो बाद में डाउनलोड नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो साइट में कुछ प्रॉब्लम चली हुई है। 3-4 दिन बाद आप ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अभी जो है फिलहाल दिक्कत आ रही है साइट में, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा और जो भी डिप्लोमा वाली जगह आपसे पूछी गई है उसकी जगह पर जो है आप 12th की क्वालिफिकेशन जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आज की वीडियो में जो है थोड़ा लेट जो है इस वीडियो को आने में इसलिए लगा क्योंकि बुक्स के ऊपर जो है वो अभी रिसर्च की जा रही थी कि कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो आज जो है हम इस वीडियो के साथ हाजिर हैं। कंप्लीट वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? वैसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं नोटिफिकेशन के साथ, बट फिर भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कितने आपके पास टोटल क्वेश्चन आएंगे। वो आएंगे आपके पास 170। अब इसको भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो 120 आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे और इसमें से 50 जो होंगे आपके पास वो होंगे जीके, इंक्लूड आपकी हिंदी भी, इंग्लिश भी, साइंस भी। अब यहां पर आप ये डिवाइड नहीं कर सकते कि हिंदी के कितने पूछे जाएंगे, इंग्लिश के कितने पूछे जाएंगे या फिर साइंस के कितने पूछे जाएंगे। वो उनकी चॉइस है। हो सकता है हिंदी के 2 डाल दें या फिर 10 डाल दें या फिर इंग्लिश को जो है वो आपका ज्यादा वेटेज दें। तो इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं, थोड़ा सोच समझकर स्मार्टली आपको जो है वो जीके वाले सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। बट हर एक सेक्शन में आपसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। मेनली आपका जो फोकस रहना चाहिए वो 120 नंबर पर रहना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर कर है। ठीक है, तो इसी के बारे में ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे? वो रहेंगे आपके 85 और 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपका हाफ मार्क्स का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक तरह से देख सकते हैं आप कि ये एक तरह से आप, कुछ लोगों के लिए फायदा रहेगा, कुछ लोगों के लिए नुकसान रहेगा, वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे जो है आपको टाइमिंग मिलने वाली है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कंप्यूटर साइंस आपकी मेनली पूछी जाएगी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग सब पार्ट जो है इसके अंदर आते हैं। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जीके होगी, मेनली जो आपके पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपकी सोशल साइंस है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हर एक टॉपिक को मैं जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको ऐड किए हैं ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर सेक्शन आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लीजिएगा, उसके बाद जो बचते हैं उनको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़नी है। तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स आपके पास जरूर पूछी जाएंगी, तो इनको देख लीजिएगा क्योंकि 120 में बहुत कुछ जो है आपसे पूछा जाना है। फुल फॉर्म्स तो ऑलरेडी आपसे, मतलब गारंटी है कि ये तो इंक्लूड की ही जाएंगी। प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, एल्गोरिथम आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस आपको पढ़नी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डाटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे पहले आपको ये चैप्टर कवर करने हैं, उसके बाद जो बचता है, रिमेनिंग होता है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा और फुल फॉर्म्स तो अगर आप डेली ही पढ़ लो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वेब एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे, मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है तो उसमें साफ लिखा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो अलग से दिया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कंप्यूटर मतलब आईटी सेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो आपको यूज करने भी है आगे जाकर। ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज आपको सभी पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में। आप कंप्यूटर का एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर से मतलब ये नहीं है कि जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ आपको इंटरनेट के बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस से लेकर क्या क्या चीजें उस पर होती है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपको पता ही है, सब कुछ आ गया है। ठीक है, बेसिक्स जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक चीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड पहले चैप्टर हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आगे स्टेप लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपके कंप्यूटर के बारे में।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं बुक्स फॉर जेओए, ठीक है, देखिए मार्केट में मैंने स्पेशली पर्सनली बहुत सारी बुक्स जाकर देखी, बट ऐसी कोई मुझे बुक्स नहीं मिली है जिनमें कंप्लीट डिटेल आपका सिलेबस दिया हो। एक सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा अरिहंत की बुक, जिसमें जो है मुझे काफी हद तक लगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली आपको मिल जाएगा, बट काफी हद तक आपको जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैं अच्छे से आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा पीजीडीसीए की बुक या फिर डीसीए की बुक। अगर आपने खुद कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो आपके पास बुक्स होंगी, या फिर आप कंप्यूटर सेंटर से जाकर ले सकते हैं, बट अगर आपने नहीं किया है तो भी आप कंप्यूटर सेंटर से जाकर उनसे नोट्स ले सकते हैं या फिर बुक्स ले सकते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड वगैरह से अपने जो है वो बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो अगर आप इनको रीड करोगे तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिलेगी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। जीके स्टडी की वीडियो जो है वो कल से कंटिन्यू हो जाएगी। हर वीडियो में जो है आपको 15 से 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, साथ में जीके के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे करंट अफेयर वगैरह के। तो आप इससे जरूर जुड़िएगा, सीरीज को तभी कंटिन्यू किया जाएगा जब आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे। मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले हैं, ये सभी कुछ जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मॉक टेस्ट तो अगर आपकी चॉइस है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट जीके स्टडी की वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। करंट अफेयर आपको जो है वो डेली बेसिस पर पढ़ने हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। जीके के सेक्शन की अगर बात करें तो आपको जो है वो इम्पोर्टेंट जीके ही पढ़नी है, चाहे वो एचपी की हो या फिर इंडिया की हो, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि जीके से आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, स्पेशली आपको फोकस करना है करंट अफेयर पे। उसके अलावा हिंदी भी जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से करवा दी जाएगी, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इंग्लिश के सेक्शन भी जो है वो वीडियो के माध्यम से इंक्लूड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट आपको कंप्यूटर जो है वो डिटेल में पढ़ना है, और आप एमसीक्यूज जो तैयारी करोगे वो आप वीडियो के थ्रू करोगे। डेली आपको शाम के समय जो है वो वीडियो मिल जाएगी, पूरे दिन में पढ़िए, उसके बाद आपको बेसिक से जो है वो हम बेसिक से शुरू करेंगे कंप्यूटर पढ़ना एमसीक्यूज फॉर्मेट में, बाकी जिसकी डिटेल की जरूरत होगी उसकी डिटेल भी दी जाएगी, और फिर हार्ड लेवल तक जो है हम उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बुक्स की बात करें, बहुत लोग बुक्स पूछ रहे थे, तो एक आप हरिहंत की दे दीजिए, या फिर नजदीकी कंप्यूटर आपको कोई सेंटर है वहां से जाकर, या फिर किसी फ्रेंड वगैरह से आप जो है वो पीजीडीसीए या फिर डीसीए की बुक्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई और बुक जो है वो बेटर मिलती है तो आप जो है वहां से जाकर उसे ले लीजिएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और किस तरह से तैयारी करनी है, ये चीजें आपको पता ही है। कंटिन्यूटी बनाकर रखिएगा और वीडियोस को जो है वो देखते रहिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर एचपी पुलिस के जो आगे फॉर्म आएंगे उसकी तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, मॉक टेस्ट जो है आप उसकी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एचपी वन पास भी है, ठीक है, उसको जरूर ले लीजिएगा। उसमें आपको करंट अफेयर प्लस आपको कोऑपरेटिव बैंक के और प्लस आपको एचपी पुलिस का जो है तीनों के टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, आपको डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट को परचेज कीजिए, और कूपन कोड यूज करना है आपको अभी फिलहाल के लिए जीके स्टडी 50, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो 50 से आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।